आज महीनों बाद मम्मी को दिमाग में फिर से आया कि आलू रखा पड़ा है तो चिप्स बना लेते हैं। मम्मी यहाँ पे पूरा चिप्स जल्दी जल्दी ले ली, छानने का तैयारी कर रही है। तैयारी नहीं कर रहे हैं, छान भी रहे हैं। तेल थोड़ा सा था ना, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा आलू बचा हुआ है, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। वाला तेल है 26 जनवरी को जब पूरी तले थे वही वाला तेल है, तो हम सोचे कि चलो इसी से थोड़ा सा चिप्स बना लिया जाए। यहाँ पे चिप्स भी बहुत अच्छा बन रहा है, एकदम क्या बोलते क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छा लग रहा है खाएं। मुसान को भी खिला के आते हैं। मुसो 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 एको 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 पूरा हाथ नहीं खाना मेरा, पूरा हाथ घुसा ली एकदम पूरा। ये सब खाने के लिए कितना बड़ा बड़ा मुंह खुलता है। रोटी सब्जी देंगे तो यहाँ मैं फटाफट से चिप्स बना रही हूँ और जल्दी से अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा सा तेल था और थोड़ा और दो ही आलू बचा हुआ था, तो मैं सोची कि बना लेते हैं चिप्स। और थोड़ा सा तेल था इसलिए छोटा कढ़ाई चढ़ाए हैं तो डायरेक्ट उसमें गिराने के लिए हो नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ कपड़े में फैला दी हूँ ताकि मुझे उठाने में भी आसान हो, वरना एक ही जगह पे पूरा ढेरी लग जा रहा था तो फिर उठा करके डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे फैला फैला करके रख दी हूँ। तो यहाँ डाल दे रहे हैं ये चिप्सी। मनु और मुस्कान दोनों जन को अपने अपने जगह से हिलाया है, वरना दोनों जन सुबह से चिपके हुए थे कॉपी किताब में। आवाज़ सुन के मनु दौड़ के आ गया था यहाँ पे कि क्या बन रहा है देखने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा ही डालना पड़ रहा, थोड़ा सा ही तेल है ना इसी वजह से। और मैं नहा ली हूँ और नहा के काफी देर से मैं वेट कर रही थी इन लोगों का कि ये लोग जल्दी से उठ के नहाए धोए तो फिर मैं हम लोग खाना खाएं। तो ये लोग उठ ही नहीं रहे थे। मैं भी बैठे 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 काफी देर से मैं बैठी थी, बैठे बैठे मैं थक गई। तो फिर मैं बोले चलो कुछ किया जाए, तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे चिप्स बनाने के लिए। और अभी दोपहर भी नहीं, मतलब शाम 3 बज ही रहा है, लेकिन अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का खाना पता नहीं कितने बजे, अभी तो मुझे नहाने के लिए गई है और मनु अभी गया भी नहीं है नहाने के लिए। मेरा बाल भी लगभग सूख ही गया है, बांधी नहीं हूँ मैं। तो अभी अब भूख कितना लग रहा है कि क्या करें, पहले खाना खाएं फिर बाल उल बांधे चाहे जो करना है उसके बाद में करेंगे। भूख लग रहा है बहुत। अगर बालू का चिप्स बन गया ना तभी ये लोग उठे ही हैं, वरना उठते भी नहीं कोई। बोलते बोलते तो मैं थक गई थी। और आज खाने में बनाई हूँ मैं दिखाती हूँ। ये रहा खाना और आज का खाना है। इधर तो आलू का चिप्स बन गया, बनना नहीं था लेकिन ऐसे बैठे बैठे दिमाग की शैतान है ना। तो यहाँ पे ये आलू गोभी मटर गाजर शिमला मिर्च सारा कुछ मिक्स करके सब्जी है। इधर है गाजर का हलवा और रोटी है इसमें। इसको रख देते हैं, इधर चिप्स हो गया है इसको निकाल लेते हैं, वरना पता चलेगा इधर बकबक करने का चक्कर में चिप्स भी जल गया। देख रहे हैं ना कितना अच्छा चिप्स, बिल्कुल वाइट वाइट, इतना अच्छा चिप्स। आप लोग भी घर पे बना सकते हैं बहुत आराम से। और किसी को रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ फटाफट से पहले बना लेती हूँ। एक चिप्स होता है जिसको कि आलू को उबाल करके उसको सुखा करके फिर उसका चिप्स बनता है, ये है इंस्टेंट वाला चिप्स। मतलब कि बस आलू छीले हैं डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिए होते, लेकिन छोटा कढ़ाई है ना और तेल भी थोड़ा सा है, इसी वजह से मुझे वहाँ कपड़े में निकालना पड़ा। साफ सुथरा कपड़ा है। चिप्स बन गया है, चूल्हा ऑफ कर दिए हैं और चूल्हा का तो सत्यानाश हो गया है पूरा। चिप्स बनाने से पूरा चूल्हा में पूरा छीटा तेल का छीटा लग गया है, पूरा तेल लग रहा है, अभी सारा साफ करना पड़ेगा मुझे। तो ये रहा चूल्हा, सारा तेल ही चिप पूरा तेल हो गया है, जबकि सुबह में ही पूरा सर्फ लगा करके साफ किए थे, इधर तक पूरा छीटा लग गया है, तो फिर से साफ करना पड़ेगा इसको।
तो अभी सारा खाना जो है उठा करके मैं लेके जाऊंगी, वहीं पे बैठ के निकालते भी जाएंगे, खाते भी जाएंगे। चलो आ जाओ। तो अभी दोनों जन नहा लिया है, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। इतना चिप्स बना है 2 आलू में, बड़ा बड़ा साइज का आलू था इसीलिए ज्यादा बन गया है। पतीला भी ले लेते हैं, साथ में भारी है लेकिन एक एक करके लेके जाना पड़ेगा। यहाँ सभी कोई के लिए निकाल लिए हैं खाना, और मुस्कान को चाहिए सब्जी अलग से। मुस्कान कभी भी 1 महीने का आती है, मुस्कान का खाना ही थोड़ा अलग होता है, पता नहीं थोड़ा अलग हो गई है, हम लोग जैसे नहीं है ना मुस्कान। आई एम यूनिक लड़की है। यहाँ मुस्कान का खाना, हम लोग नीचे बैठेंगे ना। हाँ, हम नीचे बैठेंगे। सब्जी इसी में देते, हम लोग इसी में ले लेते हैं सब्जी, एक साइड में। हम लोग का सब चलता है, हम लोग देसी आदमी है। मैं भी देसी आदमी। नीचे बैठ के खाते हैं, कोई ज्यादा झंझट वाला काम नहीं रहता है। तो अभी हम लोग खाना उना खा लिए हैं, और खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं। असल में जा इसलिए रहे हैं क्योंकि मन्नू और मुस्कान ये लोग दोनों जन जा रहा है कहीं पे, मतलब कि अपनी बहन के पास जा रहा है जो कि बाहर रहती है, और अभी काफी दिन के बाद आई है तो इसी वजह से ये लोग मिलने के लिए जा रहा है। और ये लोग मुझे छोड़ेगा माँ के यहाँ पे, तो यहाँ कुछ सामान है माँ का ही है, और साथ में भाई का बेटा लोग आया हुआ था खेलने के लिए, तो इसी को देख रहा था ना। ताला भी ले लो यहाँ से। तो अपना बैडमिंटन यहीं पे छोड़ करके चला गया था, तो वो भी मैं साथ में ले जा रही हूँ। ऐसे शाम हो गया, जाने का मन तो नहीं था लेकिन फिर सोचे कि घर में अकेले क्या करेंगे, है ना, खाना वाना भी खा लिए हैं तो चलते हैं। जब ये लोग आएगा उधर से वापस तो मुझे भी लेते हुए आ जाएगा। अरे मुस्कान इतना सारा वेट उठा ली है फिर भी डांस कर रही है खुशी से। कहाँ मुस्कान, बहुत दिन के बाद दीदी के पास जा रही है ना। खुश है, दिख नहीं रहा है, मास्क हटा के दिखाओ। मनु हम लोग को छोड़ के जा रहा है, बाय। हम लोगों ने सिर्फ मुझे छोड़ के जा रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के यहाँ पे, मम्मी के यहाँ पे। क्या क्या बोल रहे हैं, मनु दस लौटेगा तो फिर आएगा वापस, तो फिर मुझे लेते हुए जाएगा। मम्मी यहाँ पौधा सबको पानी डालने लगे, हम पूरा घर में घूम के आ गए। ये तो दीवार में निकला है। हाँ, दीवार में मिला होगा उसको आहार। हाँ, अरे यहाँ पे पुदीना आपका अभी तक है, ये है सूख रहा लेकिन हो जाएगा फिर से। अब मेरा खत्म हो गया, हम ही लोग घर से ला के लगाए थे, यहाँ पे अभी तक है। हम लोग का सूख गया, पता नहीं क्या है, ज्यादा पानी के चलते। नींबू का पेड़ भी बहुत बड़ा हो गया है, किनारे तो हो गया है। तो का करती हूं, वो जो नहीं है। हाँ, अपना जड़ फेंक लेगा इधर। एगो नींबू यहाँ भी है, कैगो नींबू। दूध अंशु से लकड़ी फड़वा रहे हैं क्योंकि अभी ठंडा लग रहा है, शाम हो गया है। क्या चीज का लकड़ी, बड़ी आराम से फट गया, टूट गया। आम का है, माटी खाए के सिरा है। हम लोग अभी घर पहुंच गए हैं, मुस्कान आते ही शुरू हो गई है। ये तभी वाला आलू का चिप्स अभी भी यहीं पर रखा हुआ है, मुस्कान आते ही उस पर टूट पड़ी है ना। अभी पता नहीं खाना खाएगी भी कि नहीं खाएगी, खाएगी ना अभी खाना, नहीं खाएगी, उनको पता था इसका जवाब यही निकलेगा। छोटा सा इतना सा पेट है, कम से कम इतना सा ही पेट है जरा ना, इसे भी छोटा इतना, इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। अभी थोड़ा देर बैठा जाए, कहाँ जा रही है, अभी टीवी ऑन कर रही है, अभी देख रही है वीडियो बना रहे हैं, वो टीवी ऑन करने गई है इसीलिए बोल रहे हैं। मीठा नहीं लग रहा है, कहे मीठा नहीं लग रहा है, मिठाई मीठा नहीं लग रहा है तुम लोगों। हमको लग रहा है ना जो रसगुल्ला बनाते हैं ज्यादा कुछ कर देते ना, पतला वैसे कर ले। अब पता नहीं, मनु कल मिठाई लेके आया था, बोल रहा है अभी खा करके कि मीठा नहीं लग रहा है, बच्चा हुआ था तो अच्छा लग रहा था, तो अभी का एक अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, नो आईडिया।
नो आइडिया, इसमें तो कुछ मीठा खाया होगा, इसीलिए एगो मिर्चा खा गया, एगो मिर्चा खा गया, एगो मिर्चा खाओ उसके बाद उसको खाएगा ना तो मीठा लगेगा। मत खाओ आज ना, ठंडा बहुत लग रहा है। आज मम्मी के यहाँ गए थे तो क्या देख रहा है, आज मम्मी के यहाँ गए थे तो ठंडा बहुत लग रहा था, वहाँ पे ऐसे भी ठंडा ज्यादा लगता है, तो गए तो चूल्हा जलवाए थे, तो चूल्हा जला के आग तापे उपे, उसके बाद फिर बैठे ही बैठे वहीं पर टाइम बीत गया, पता नहीं कितना बजे घर पहुंचे हम लोग, अभी रे 8 बजे गया। यहाँ पे लोग क्या हमारा सब मंकी डांस, तो अभी अब चलते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। वहां पे बैठे बैठे थक गया आदमी, कहीं से जाता है काम वाम करके आता है थक जाता है, वहां बैठे बैठे मतलब जब से गए तब से बैठे ही है चूल्हा जला कर गए, जाते ही मम्मी को बोले थे कि चूल्हा जला देने के लिए। तो अभी हम लोग खाना वाना खा करके और बैठे हुए हैं, तो मैं बैठी हूँ, कहाँ बैठे हैं दिखाते हैं अभी, ये रहा चूल्हे के पास चूल्हा जला करके बैठे हुए हैं, वहाँ भी जाके आग ताप के आए, फिर घर में भी आ करके चूल्हा जला लिए, क्योंकि थोड़ा ठंडा है, बढ़ गया है थोड़ा सा ठंडा, तो जाते जाते एक बार ठंडा जो है ना वो हिला के जाने वाला है। तो अब खाना वाना तो खा ही लिए हैं, तो बस सोएंगे, थोड़ा सा आग बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना तो उसके ऊपर पानी चढ़ा देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।